हाय दोस्तों दोस्तों आज का ये वीडियो कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है। तो यदि आप मेरे YouTube चैनल पर टेक्निकल वीडियो के देखने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो है वो ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिनके ग्रेजुएशन में कुछ टाइम बाकी है, या ऐसे स्टूडेंट जिनका कॉलेज से कैंपस नहीं हुआ है, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम अप्रेंटिस के बारे में भी बात करेंगे कि अप्रेंटिस होता क्या है। तो दोस्तों आप भी जॉब सर्च कर रहे हो और आप भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपकी भी जॉब नहीं लगी, आपका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल सिंह और आप देख रहे हो मेरे यार टेक्निकल प्यार। तो दोस्तों अप्रेंटिस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से और क्लियरली समझ में आ जाएगा अप्रेंटिस होता क्या है। बायोडाटा मुझे दे दो, मैं मैनेजर को दे दूंगा। वो देखो नौकरी की तलाश में आए कितने इंजीनियर्स ने मुझे बायोडाटा दे रखा है। तो आपने इंजीनियरिंग की, पर हम तो नए लोगों को अभी नहीं ले रहे, हमें तो सिर्फ ट्रेंड कुशल ग्रेजुएट्स की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के जरिए स्किल हासिल कीजिए और फिर आइए। लाखों शिक्षित युवा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक और प्लस टू वोकेशनल पास कर चुके छात्र रोजगार के लिए तैयार हो जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, बोर्ड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से भविष्य में रोजगार पाने के लिए अब आवश्यक स्किल प्रदान करेंगे। 25,000 से ज्यादा सरकारी और निजी प्रतिष्ठान एक साल की स्किल ट्रेनिंग के लिए आपको स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिस के रूप में लेने के लिए तैयार है। एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पूरा होने पर क्षेत्रीय बोर्ड्स भारत सरकार का प्रमाण पत्र जारी करेंगे और उसे आपका एक वर्ष का अनुभव माना जाएगा। आज ही लॉग ऑन कीजिए mhrdnats.gov.in पर। मेरी ट्रेनिंग, मेरा भविष्य, तैयार हो जाइए सुनहरे भविष्य के लिए। तो दोस्तों इस फुटेज के द्वारा आपको पता चल ही गया होगा अप्रेंटिस होता क्या है। दोस्तों यदि आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको पैसा भी मिलता है प्लस आपको जॉब की ट्रेनिंग भी मिलती है। अप्रेंटिस का मतलब आप साफ साफ और सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि जॉब की ट्रेनिंग, मतलब कि जब आपका कैंपस सिलेक्शन होता है तो जॉब में आपको क्या करना होता है, जॉब के बारे में पूरा बताया जाता है, पूरा ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप यहां से अप्रेंटिस करते हो तो प्लस आपको ट्रेनिंग तो मिलती ही है, साथ ही साथ एक साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता है जिसके द्वारा आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो कम से कम आपको अप्रेंटिस के थ्रू 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अप्रेंटिस के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है जिसका नाम है mhrdnats.gov.in, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब यदि हम यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की क्वांटिटी दी हुई है, इंस्टीट्यूशन की दी हुई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी हुई है। तो दोस्तों वापस हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर 3 लाइन का साइन जो है उस पर क्लिक करते हैं। फिर दोस्तों आपको लॉगिन और इनरोलमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इनरोल पर क्लिक करना है और नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों हम यदि नीचे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हो आई एम इन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन आता है। यदि आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये रिफ्रेश होता है पेज और डबल से रिलोड होकर ओपन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कई सारे नेक्स्ट ऑप्शन खुलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आई के बाद जो एरो साइन है वहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यदि आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है तो आई हैव कंप्लीटेड पर क्लिक कीजिए, और यदि आपका रनिंग में चल रहा है तो आप आई एम डूइंग पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यदि आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन से की है, डिप्लोमा से की, तो उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और आपने किस ईयर में कंप्लीट की है तो ईयर डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोड ऑफ एजुकेशन का ऑप्शन आता है तो आप मोड ऑफ एजुकेशन के ऑप्शन से अपना जो मोड है एजुकेशन का वो चूज कर लीजिए। अभी तो फिलहाल में यहाँ पर सैंडविच है तो सैंडविच पर क्लिक करते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले आपने देखा था कि मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो सैंडविच है, ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग जो है वो सैंडविच है।
फिर दोस्तों यहाँ पर आप इंटर्नशिप, यदि आपने पहले इंटर्नशिप की या नहीं तो आप यस और नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं तो आप यस और नो पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट टाइप, आधार कार्ड, वॉलेट, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ये सारी डिटेल दी हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं। फिर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का। दोस्तों जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इस वेबसाइट को लॉगिन करते हो तो इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स खुल जाती है। एजुकेशनल डिटेल आपको भरनी पड़ती है, आपका स्कूल कॉलेज परसेंटेज, मदर फादर का नेम, तो ऐसी कई सारी डिटेल खुल जाती है। उन सबको फिल करने के बाद दोस्तों आप पूरी तरीके से इस एप्रेंटिस के जो फॉर्म को है पूरी तरीके से फिल कर देते हो तो दोस्तों आप इस प्रकार से इस वेबसाइट पे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ठोको लाइक, दबाओ घंटा और बन जाओ घंटी वाले यार। खुश रहिए, सलामत रहिए और यूं ही देखते रहिए ओ मेरे यार टेक्निकल प्यार। बाय बाय।